देखिए, धरने पर बैठने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार ममता जी के अहंकार के कारण अराजक सरकार चल रही है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को भी वो लापरवाही से ले रही है, केंद्र सरकार जो अनाज प्रधानमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के लिए पहुंचा रही है, वो गरीबों में नहीं बढ़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो जनता से एकत्रित करके सामग्री गरीबों को बांट रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके घर में बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो बाहर नहीं निकलने दे रही है, पर केंद्र सरकार ने जो डॉक्टरों के लिए पीपी किट दी है, उस किट को पहनकर टीएमसी के सांसद, टीएमसी के विधायक वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जो केंद्र ने अनाज भेजा है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल भेजे हैं बंगाल में। यदि एक घर में 5 लोग हो तो 25 किलो अनाज देना है, पर 5 किलो भी टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर में अनाज नहीं दे रहे हैं। पूरे पीडीएफ सिस्टम कोलेप्स हो गया है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर से अनाज बट रहा है। जो मरीज अस्पताल जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनको चुपचाप जला दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है, उनके परिवार को नहीं बताया जाता है। हमने वो सारे वीडियोस, वो सारे दस्तावेज हमने गवर्नर को दिए हैं। उसके बाद भी ममता जी की सरकार में किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है प्रदेश की। आज पश्चिम बंगाल बारूद के ढेर पर है, और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन है, हम उसका पालन करेंगे। अपने घर में बैठकर हम ममता जी की सरकार का विरोध करेंगे, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, गवर्नर साहब का ध्यान आकर्षित करेंगे, और प्रदेश की जनता, बंगाल प्रदेश की जनता को ये एहसास कराना चाहेंगे कि हम भले ही सड़क पर नहीं हैं, पर हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और हम बंगाल को, बंगाल की जनता को जिस तरीके से वह कोरोना के भय से ग्रस्त है, उनका भय दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की टीम एक भेजी है बंगाल में। दुर्भाग्य से वहाँ के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है ये, और मैं समझता हूँ कि किसी भी मुख्य सचिव को ये कहने का अधिकार नहीं कि हम केंद्र द्वारा भेजी गई टीम का हम सहयोग नहीं करेंगे। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूँगा कि सबसे पहले तो मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करें, और इस सरकार को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार निर्देश दे कि वो प्रदेश की जनता के हित में निर्णय ले, कोरोना के भय से बंगाल की जनता को मुक्ति दिलाए। आज सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, सारे मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए, और वे मोदी जी के साथ खड़े होकर इस देश में कोरोना के भय से जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, गैर भाजपा दल के मुख्यमंत्री भी। पर बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अराजकता मची हुई है, उसका कारण है ममता जी का अहंकार, उनका कारण है ममता जी की प्रदूषित राजनीति। वो कोरोना में भी राजनीति कर रही है, वहाँ लॉकडाउन का कुछ विशेष वर्ग के लोगों में कोई फर्क नहीं है, वहाँ लोग सरेआम घूम रहे हैं और कोरोना के वायरस को फैलाने का काम कर रहे हैं, और इसलिए बंगाल बारूद के ढेर पर है। हम चाहते हैं कि बंगाल की जनता को विश्वास मिले इस बात का कि हम स्वस्थ रहेंगे, और इसलिए हमारा धरना है। हमारा धरना ममता जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, माननीय गवर्नर जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सर, इससे पहले भी बंगाल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि केंद्र की टीम गई है, उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनको बंद कर दिया गया है। तो क्या बंगाल कहीं बांग्लादेश मान रही है? ममता बनर्जी बंगाल को अलग मान रही भारत से? मुझे लगता है कि उनमें इतना अहंकार है कि वो मानते ही नहीं कि मैं भारत का हिस्सा हूँ या भारत का कानून मुझ पर लागू होता है। वो तो चाहती है कि बस ममता जी का जो बोलेगी वही कानून होगा, और वहाँ के अधिकारी भी इतने भय से काम करते हैं कि जो ममता जी बोलती है वो काम करते हैं, जबकि भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, उन्हें उनकी जवाबदारी है कि वे कम से कम भारत के संविधान के अनुरूप काम करें, पर वे अधिकारी भी ठीक काम नहीं कर रहे। और इसीलिए मैंने कहा कि मुख्य सचिव के खिलाफ केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए।